आपके पिताजी इलाके के बड़े नेता थे और वो विरासत आपने संभाली है जी, तो क्या बचपन से ही सोच रखा था कि पॉलिटिक्स में जाना है या कोई एक्सीडेंटली आप आ गए यहाँ पे? इसको ब्रजेश जी ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों बातें एक साथ रहीं, कि चूँकि पिताजी राजनीति में थे इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति से मैं जुड़ा रहा। दूसरा, चूँकि मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मैं जुड़ गया था, स्वयंसेवक बन गया था, तो उसके नाते एक देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा मन के अंदर भाव रहा। उसके कारण स्वाभाविक रूप से यहाँ की ओर झुकाव था। हालांकि मैं 16 साल की उम्र में पोलिंग बूथ एजेंट बन गया था, इतने जल्दी? तो उस समय वोट डालने की उम्र भी 21 साल थी, तो चूँकि रुचि थी इसलिए बन गए थे, 1984-85 के आसपास की समय है। लेकिन साथ में मैंने पढ़ाई भी करते रहा, मैं इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ मेरा, मैंने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग में अच्छा स्टूडेंट रहा, टॉपर स्टूडेंट रहा, तो स्वाभाविक रूप से पढ़ाई की तरफ भी रहा रुचि, राजनीति की तरफ भी रुचि रही। तो पिताजी का भी योगदान है, मेरे स्वयं के जो खुद का भी ऐसा कि समाज के लिए कुछ करना है, तो वो एक भाव भी मन के अंदर रहा। मगर पिताजी ने तो आपको इंजीनियर बनाने के लिए SATI भेजा था, बरेली से विदिशा है, बिल्कुल निश्चित रूप से, तो कभी सोचा नहीं कि इंजीनियर बनेंगे? हाँ ना, बिल्कुल सोचा था, इंजीनियर भी बना, मैंने इंजीनियर के नाते भी देश की सेवा की है। ठेकेदार रहे आप? हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन में शासकीय निर्माण कार्यों से भी मैं जुड़ा रहा। साथ में जब मैं तो इंजीनियरिंग करते से ही मेरा बड़े सौभाग्यशाली विद्यार्थी रहा कि जिस विद्यालय से मैं महाविद्यालय से पढ़ के निकला उसी में मेरे को तत्काल हमारे जो प्राचार्य महोदय थे उन्होंने मुझे वहाँ पे असिस्टेंट के रूप में, शोध सहायक के रूप में वहाँ नियुक्ति दे दी थी। तो उसके बाद में मैंने वहाँ पे अपने जो जूनियर्स थे उनको पढ़ाने का काम भी किया है। अच्छा, उसी कॉलेज? उसी कॉलेज में जी। अभी हम आपके इलाके के लोगों से पूछ रहे थे कि नरेन भाई से क्या पूछा जाए जी, तो उन्होंने एक सवाल हमको भेजा है जी, जी, कि नरेन भाई से जरूर पूछेगा जी, कि जिस कॉलेज में पढ़ के आप इतने बड़े नेता बने हैं उस कॉलेज में आज फैकल्टी की कमी है, टीचर्स की कमी है, आपकी जानकारी में है ये बात? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं होके आया हूँ, और बल्कि इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद मैं एक गायत्री परिवार के कार्यक्रम में वहाँ पर गया था। सारी व्यवस्थाएं वहाँ की हमने समझी हैं और उसमें उनको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से करेंगे। बरेली में भी कॉलेज में टीचर्स की कमी है? बिल्कुल, देखिए बरेली में भी अब हमारा एक नई बिल्डिंग बनने वहाँ पे जा रही है और नई बिल्डिंग के निर्माण के साथ में वहाँ पे जो नए कोर्सेज भी हम प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बरेली के अंदर भी शिक्षा की और अच्छी व्यवस्था बनी है, तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, मगर आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद आपने कॉन्ट्रेक्टरशिप भी की, पढ़ाई भी की कॉलेज में, बच्चों को पढ़ाया भी, और फिर आपकी एक बड़ी ट्रैक्टर की एजेंसी भी है जिसमें आपने उसने भी झंडे गाड़े। जी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से पारिवारिक रूप से अब हम चार भाई हैं, तो सभी भाइयों ने अलग अलग व्यवसाय किए हैं और अभी भी कुछ लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से। तो आपने कोई रिकॉर्ड भी बनाया था कि सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर? हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से, वो मेरे छोटे भाई देखते थे और उन्होंने उसमें मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जो ट्रैक्टर बेचने का जो रिकॉर्ड है, चूँकि हमारा जो क्षेत्र है वो भी क्षेत्र भी चूँकि कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसको कह सकते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा, तो जो भी काम करो उसमें परिश्रम की पराकाष्ठा होनी चाहिए।